और यहाँ पे जो इसका प्राइस हो जाता है 1,12,753 रुपीज़, मतलब 1,12,753 रुपीज़। ये आपका ऑन रोड प्राइस है इस शोरूम का, कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया। पहला तो कलर चेंजेज, वो तो हमने दिखाई दिया तीनों कलर। अब क्या क्या आपको कलर में से कौन सा बेहतरीन लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। व्हाइट ब्लैक और ब्लैक येलो एंड फुल्ली ब्लैक, ठीक है। ग्राफिक्स वगैरह सब में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका ग्राफिक्स कुछ इस तरह का, उसका भी देख सकते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स वैसे ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, बट थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का जो है कलर वो थोड़ा चेंजेज है, यहाँ पे भी चेंजेज है, तो वो कल मतलब बताना है, ठीक है। बाकी क्लस्टर वगैरह देख लेंगे हम क्या क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं व्हाइट कलर में, जिसका इसका ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन। एवेनिस यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक में, ठीक है। और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट से आपको डुअल टोन कलर व्हाइट एंड ब्लैक, और नीचे साइड भी देख सकते हैं सेम। और यहाँ पे LED सेटअप दिया गया, फुल्ली हेडलाइट सेटअप लो बीम हाई बीम के साथ। ये हो गया फर्स्ट कलर। यहाँ पे सेकंड कलर आप इसमें देख सकते हैं येल्लो कलर, ये एवेनिस, ठीक है। येल्लो यहाँ पे मतलब ब्लैक हर किसी में है, ये ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन सब में, सिर्फ ये व्हाइट है इसमें येल्लो है, ठीक है। ये आपका दूसरा कलर हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेहतरीन कलर यहाँ पे लग रही है। बाकी नेक्स्ट तीसरा कलर ये देख सकते हैं, ये आपका तीसरा कलर हो गया। इसमें का जो पहले जो आता था ना ब्लैक, वो फुल्ली ब्लैक था, बस ऐसे ही था। बट इसमें क्या है ना, ग्राफिक्स वगैरह चेंज कर दिया गया, ये देख सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह जो है चेंज कर दिया गया। अवेनिस मतलब तीनों में, ये पहला तो वहाँ दिखा दिया हमने, पहला दूसरा और एक या तीसरा, तीनों में आपको सेम लुक, सेम मॉडल, सेम सारा कुछ, सेम बाय जो है राइड कनेक्ट एडिशन, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट आपको हो जाएगा वो। बाकी फ्रंट लुक से भी सेम, हेडलाइट वगैरह सेम, यहाँ पे भी सेम और इसमें भी सेम, तीनों में कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, जो मिलता है 124 cc का। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 8.7 PS का मैक्सिमम पावर 10 Nm टॉर्क के साथ। गियर ट्रांसमिशन पता ही है ऑटोमेटिक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.7 लीटर, मतलब 40 से 50 के बीच में आपका माइलेज रहने वाला है। और यहाँ पे स्कूटी का फुल वेट 106 kg, तो बहुत ज्यादा वेट भी नहीं है, 106 kg वजन है। तो शोरूम का डिटेल स्क्रीन पे आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, लोकल साइड के कोई भी आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो 90-90 और 12 इंच का अलॉय व्हील के साथ फ्रंट टायर, और 90-100 और 10 इंच के साथ आपका रियर टायर सेक्शन, ठीक है। ये हो गया टायर से रिलेटेड। और हेडलाइट सेटअप LED में दिया गया है लो बीम हाई बीम के साथ। ये चीज़ हम भी आपके इसमें चेक करके दिखाते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लो बीम हाई बीम के साथ जो दिया गया सारा कुछ। हेडलाइट सेटअप, इंडिकेटर सेम जो वही पहले आ रहा था, मॉडल से लगभग सेम ही है, ठीक है। और इसका जो अब आते हैं कि टायर सेक्शन हो गया, ये हो गया हेडलाइट सेटअप, फ्रंट हो गया। मीटर कंसोल में ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कॉल आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, मैसेज वगैरह सारा कुछ नोटिफिकेशन डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अब क्या बच गया, इसका माइलेज वगैरह, इंजन से रिलेटेड, पावर वगैरह, ठीक है। तो उसके पहले आपको कमेंट करके बता देना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। मेरा तो ब्लैक है। और अब हम देख लें इसका इंजन से रिलेटेड, तो वहाँ पे मिल जाता है तीनों का, तीनों सेम है, सेम मॉडल है, कलर उसमें चेंज है। तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 124 cc का, ठीक है। मैक्सिमम पावर की बात करें 8.7 PS का मैक्सिमम पावर 10 Nm टॉर्क के साथ कंप्लीट। बाइक का फुल वेट 106 kg, 186 पॉइंट कुछ है, 107 ऐसे बोल सकते हैं, बट 106 kg जेन्युइन मान लेते हैं, विदाउट फ्यूल। और माइलेज कंपनी 50 का करती है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना 50 देगी अगर उस हिसाब से चलाते हैं तो, नहीं तो अगर आप डाउन ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा लो हो सकता है। और माइलेज क्लियर, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI, गियर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, और क्या छूट गया। नेक्स्ट डाउन पेमेंट से रिलेटेड, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से, आपका प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से। अगर आपका बेहतरीन IDR वगैरह फेल करता है तो मिनिमम डाउन पेमेंट मतलब 15-20% आप डाउन पेमेंट करना है, लेके चले जाना है। लोन प्रोसेस वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह, लाइट बिल है तो ला के दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 6% फ्लैट वगैरह लगता है, और रिड्यूसिंग शायद 14-15% लगता है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको प्रोफाइल अपना लेके आना जो है, मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम 10,000-15,000 कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं बिंदास, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सुजुकी का तीनों स्कूटी में से अगर आप लेना चाहें तो कौन सा लेंगे, ये वो अरे, ये चीज़ कमेंट करके बता देना है, और आपको फेवरेट कलर कौन सा वो भी बता देना। तो चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं एवेनिस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।